इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्रीमती महिमा जैन, श्री पुनीत जैन, श्रीमती सोनिका जैन, पाखी जैन, न्यू रोहतक रोड, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम जैन, पार्थ जैन परिवार, ग्रीन पार्क, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमती कनकलता जैन, श्री अजय जैन, श्रीमती संगीता जैन, शुभम जैन, अनुष्का जैन, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री नरेंद्र जैन, श्रीमती संगीता जैन, पाशु जैन, श्री सौरभ जैन, श्रीमती पारुल जैन, श्री निखिल, श्रीमती शिल्पा, रिद्यान, विवांश, देवांश जैन परिवार। जब पहली बार घड़ी का अलार्म, मोबाइल का अलार्म बजता है तो क्या सोचते हैं? पांच मिनट और। 15 मिनट बाद अलार्म बजता है फिर क्या सोचते हैं? 5 मिनट और। आधे घंटे बाद अलार्म बजता है तो क्या सोचते हैं? 5 मिनट और। उसके बाद में अलार्म नहीं बजता, घर वाले बोलते ट्रेन छूट गई। क्या होता है? उसके बाद में अलार्म नहीं बजता, उसके बाद में क्या बोलते हैं घर वाले? ट्रेन छूट गई, अर्थात कार्य हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। अलार्म में जब आदमी को कार्य नहीं होता उस समय उठने के लिए अलार्म की आवश्यकता होती है, और जब कहीं पर कोई कार्य होता है तो इंसान बिना अलार्म के ही उठ जाता है। जब आपको कोई कार्य नहीं होता तो आप कितना भी अलार्म बजे आपको आलस आता है, और जब आपको कोई कार्य होगा तो आपको घड़ी में, मोबाइल में अलार्म की आवश्यकता नहीं है, अपने आप ही आपकी घड़ी, आपके दिमाग की घड़ी आपको उठा देगी। संसार में भांति भांति के लोग हैं, भांति भांति की क्रियाएं कर रहे हैं और भांति भांति के कार्य कर रहे हैं। इन सब को करने का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना अलग अलग है। अपनी अपनी क्रियाओं को समझने का सबका अपना अपना विषय है। कुछ लोग प्लेटफॉर्म पर बैठे बैठे, एयरपोर्ट पर बैठे बैठे भी खाली समय का सदुपयोग कर लेते हैं, और कुछ लोग सही जगह पर बैठकर भी समय का दुरुपयोग कर लेते हैं। एक बार एक संत जी का नगर में आगमन हुआ तो पहले के समय में जब साधु समुदाय नगर में आते थे तो लोग डिंडोरी पिटवाते थे और समाचार देते थे कि गुरु का आगमन हो गया है, प्रवचन इस समय से होगा, तो सभी पधारें। तो जैन हो, जैनेतर हो, चोर हो, साहूकार हो, सब पहुंच जाते। संत की बड़ी ख्याति बढ़ रही थी, लोग प्रवचन सुन सुनकर अपने घरों में आकर उनकी तारीफ करते थे। इतने में वहां पर एक चोरों का गिरोह भी था। उन चोरों के गिरोह के सरदार ने कहा, ध्यान रखना, आप सब कुछ कार्य करना लेकिन संत का प्रवचन सुनने मत जाना। क्यों? सरदार को डर था कि मेरे शिष्य यदि चोर प्रवचन सुनने चले गए, इनका भाव बदल गया तो क्या होगा। तो चोरों ने भी संकल्प कर लिया कि जहां पर संत हैं वहां तो कभी जाएंगे ही नहीं। चतुर्मास का समय होगा। एक बार एक चोर ने बड़े घर में डाका डाला, और जैसे ही बड़े घर में डाका डाला, काफी सारे पहरेदार थे, काफी सारे लोग थे, उसके पीछे पड़ गए। वह छत से कूदता फांदता मंदिर के पास पहुंचा, और संयोग की बात है कि वहां पर कोई संत का प्रवचन चल रहा था। उसको बात ध्यान में आई कि मुझे मेरे सरदार ने कहा है कि सब कुछ करना लेकिन संत का प्रवचन नहीं सुनना। तो वह जैसा ही वहां पर पहुंचा, एक अलमारी के ओट में छुप गया और वहां जाकर उसने अपने कान में उंगली डाल ली, जिससे उसको कुछ सुनाई ही ना दे। और छुपा था कि वहां प्रवचन हाल में तो कोई पकड़ने आएगा नहीं। लेकिन इतने में क्या हुआ कि वह अलमारी के सहारे टिका था,
और अलमारी के ऊपर कोई किताब रखी थी वह गिरने को हुई। उसने कहा यदि अलमारी के ऊपर किताब गिर गई तो मैं पकड़ जाऊंगा। उसने एक कान की उंगली निकाली, एक हाथ से अलमारी को पकड़ने का प्रयास किया। उसी समय संत कह रहे थे कि देवों की दाढ़ी मूछ नहीं होती। क्या कह रहे थे? देवों की दाढ़ी मूछें नहीं होती। बस इतना ही सुना और कान में बंद कर लिया और वापिस चला गया। खुश था कि चलो मैंने कुछ सुना ही नहीं। दो चार दिन बाद लोगों को पता चल गया कि चोर यही है। चोर को चोर कैसे सिद्ध किया जाए? तो रात्रि में चार पांच लंबे पहरेदार आए जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछें थी। उन्होंने चोर का दरवाजा खटखटाया और कहने लगा तुमने चोरी की है? बोले मैंने नहीं की। बोले तुमने चोरी की है? बोले मैंने नहीं की। तो उन्होंने आवाज लगाई कि हम लोग देवलोक से आए हैं, हम लोग देवलोक से आए हैं और तुमने चोरी की है। चोर डर गया कि देव आए हैं, मैं पकड़ जाऊंगा। वह जैसे ही दरवाजा खोलकर बाहर जाने को हुआ, उसने खिड़की से देखा कि बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछें दिख रही हैं। तो उसको याद आया कि संत ने कहा था कि चोर देवों की दाढ़ी मूछ नहीं होती। उसने क्या किया? उसने क्या किया कि डंडा निकाला। बोले कौन देव आया है मैं देखता हूं। क्या कहा? चोर ने डंडा निकाला और कहा कि कौन देव आया है मैं देखता हूं। और यह जैसे ही निकाला सारे पहरेदार भाग गए। चोर को मन में लगा कि संत की एक बात सुनकर जीवन में उतारने से मेरे प्राणों की रक्षा हो गई, तो क्यों ना मैं संत के पास में जाकर अपने जीवन का कल्याण करूं। और अगले दिन प्रातःकाल वह संत के पास पहुंचा और वहां जाकर उसने नियम धर्म से रहने का प्रयास चालू कर लिया। तो यह जीवन होता है कि एक छोटी सी अच्छी बात, एक छोटा सा समय का सदुपयोग आपके जीवन का कल्याण कर देता है। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं? मंदिर में, धर्म में, पूजन में, सत्संग में, समुदाय में, महफिल में, हर जगह इंसान के दिमाग में सिर्फ फास्ट चलने की आदत है। जिस तरह से मैंने बताया ना क्या हो रहा है, इंसान फास्ट फूड खाना चाहता है, फास्ट रिलीफ दवाई लेना चाहता है, फास्ट ट्रेवल करना चाहता है, फास्ट सुनना चाहता है, सब कुछ फास्ट फास्ट कर रहा है और धर्म में लास्ट हो रहा है, इसलिए जीवन का लॉस्ट हो रहा है। और जो इंसान धर्म में फास्ट होता है उसके जीवन का लॉस्ट नहीं होता, बल्कि जीवन उसका अच्छा बन जाता है। तो वर्तमान में जो परिस्थिति है उस परिस्थिति के हिसाब से हम लोग क्रियाएं कर रहे हैं। और फास्ट फास्ट के चक्कर में इंसान इतना फास्ट हो चुका है, इतना फास्ट हो चुका है कि पहले के समय में लोग जब माता पिता के, गुरुजनों के पैर छूते थे तो कैसे छूते थे? पहले के समय में लोग दोनों हाथों को पैर पर लगाते और माथे को लगा लेते। कुछ समय बाद बदला तो लोगों ने पैर को ऐसे छूना चालू किया। कुछ समय और बदला तो लोगों ने घुटने तक पैर छूना चालू किया। और आजकल तो क्या हो गया, आजकल क्या हो गया, उतनी दूर खड़ा है तो बोले क्या बोल, पैर पांव ढोक, क्या कहता है। अब आप मुझसे ये मत पूछना कि महाराज जी ये बातें आपको कैसे मालूम चलती है, मेरे सामने भी तो होता है। मेरे लोग बोलते हैं महाराज जी आप तो बाल ब्रह्मचारी हो, घर छोड़ के 25 साल हो गए, आपको ये बातें कैसे मालूम है। अरे भाई घर छोड़ के 25 साल हो गए लेकिन 2500 आदमी रोज मिलते हैं और ये करते हैं। एक बार तो हद हो गई, एक बार तो हद ही हो गई। हद क्या हो गई कि एक कोई रिश्तेदार मिला, एक कोई रिश्तेदार मिला तो उस रिश्तेदार को लेकर जब अभिवादन करने की बात आई तो उसने, वह मुझे आहार दे रहा था उसका रिश्तेदार,
और छोटा वाला रिश्तेदार बाहर खड़ा था, संत को आहार दे रहा था और बाहर खड़ा था, उसने कहा पैर ढो पांव ढो नमोस्तु महाराज। तो महाराज जी उसको आशीर्वाद देने लगे, जब नमोस्तु महाराज जी करेगा तो आशीर्वाद देंगे। तो बोलता महाराज जी आपको नहीं कर रहा है, मुझे कर रहा है, क्या है संसार है। तो संसार में अच्छी तरह से रहने का प्रयास करें तो हमारे जीवन का कल्याण होगा, नहीं तो बस कहां गए थे, बोले मंदिर, क्या किया माला, क्या किया पूजन, कैसी लगी, बोले पूजन भूजन तो पता नहीं लेकिन बाद में जो भोजन किया था उसमें अचार ही नहीं था। क्या गए कहां गए थे, बोले मंदिर, क्या किया पूजन माला सब कुछ करी, बोले सब कुछ पूजन भूजन तो पता नहीं लेकिन भोजन जो किया था उसमें अचार नहीं था। तो जीवन में ये छोड़ो, अचार तो घर में भी है, अचार तो घर में भी है लेकिन आचार ही घर में नहीं है। क्या है, आचार तो घर में है लेकिन आचार घर में नहीं है। तो आचार की वाणी को सुनो, आचार अपने आप घर में प्राप्त हो जाएगा और जीवन का कल्याण हो जाएगा, यही मंगल शुभ भावना। संसार के सागर में मिलते ना किनारे है, संसार मिलते ना, आ जाओ गुरु अभी तो आ जाओ, हम तेरे सहारे हैं आ जाओ। गम से भरी दुनिया में, गम से भरी दुनिया में, गम से कोई नहीं मेरा है, गम से भरी दुनिया कोई, अरे मानी अधूरी है, अरे मानी अधूरी है, अरे मां टूटा हरि सपना है, अरे मान टूटा हमको भी सहारा दो, हमको हम भी में सहारे हैं, हमको भी हम संसार के सागर में मिलते न, जीवन का सफर लंबा, जीवन का सफर लंबा, जीवन राहों में अंधेरा है, जीवन का सफर लंबा राहों में आंखों में भरे आंसू, आंखों में दुख दर्द ने घेरा है, आंखों में दुख दूर करो गुरुवर, दुख हम भी दुख यारे हैं, दुख हम भी संसार के सागर में मिलते ना,
कहते हैं तेरे दर पर, कहते तकदीर सवरती है, कहते तकदीर सवरती है जो डूबने वाली है, जो वह नाव उभरती है, जो डूबने वह नाव उभरती है, दर दर पे भटकते हैं, दर दर तकदीर के मारे हैं, दर दर पे तकदीर के संसार के सागर में मिलते न आई है तेरे दर पर, आई है तेरे दर पर, आई कहीं और न जाएंगे, कहीं और जो तुमसे है पाया, जो तुमसे कहीं और न पाएंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम, सौभाग्य भक्त श्रीमती महिमा जैन, श्री पुनीत जैन, श्रीमती सोनिका जैन, पाखी जैन, न्यू रोहतक रोड, दिल्ली, सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम जैन, पार्थ जैन परिवार, ग्रीन पार्क, दिल्ली, सौभाग्य भक्त श्रीमती कनकलता जैन, श्री अजय जैन, श्रीमती संगीता जैन, शुभम जैन, अनुष्का जैन, दिल्ली, सौभाग्य भक्त श्री नरेंद्र जैन, श्रीमती संगीता जैन, पांशु जैन, श्री सौरभ जैन, श्रीमती पारुल जैन, श्री निखिल, श्रीमती शिल्पा, रिद्यान, विवांश, देवांश जैन परिवार, दिल्ली।